बहुजन समाज पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीण कुमार ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा कि टीएसपीएससी में इम्तिहान के पर्चों के लीक के घोटाले पर सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया। आइए जानते हैं हाईटेक टीवी की जानिब से मजीद उन्होंने क्या कहा है। आज हम तेलंगाना में जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसन कमीशन में जो पेपर लीक का घोटाला हुई, वो घोटाला या और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष के बारे में हम मीडिया को बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। उसमें हम यही कह रहे कि कल केटीआर जो मिनिस्टर केटीआर आके कल बोला कि सिर्फ दो लोगों का गलती से पूरा सिस्टम को आप लोग बदनाम कर रहे, वो गलत है करके वो बोला। हम केटीआर को ये सवाल पूछ रहे, दो लोगों का बल्कि 3-4 करोड़ तेलंगाना आबादी के बारे में अन्याय हुआ और 30 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उसके खिलाफ अन्याय हुआ, तो इसीलिए हम ये मांग रहे, इसमें सीबीआई का जांच मांग रहे। क्योंकि यहाँ का लोकल पुलिस वाले जब सीएम का खानदान के खिलाफ जो एलिगेशन आ रहा है कि आप लोग का भी हाथ है उसमें घोटाला में, तब आपके अंडर जो काम कर रहे पुलिस वाले कौन से हिम्मत से आपका दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएंगे, कौन से हिम्मत से आपको पूछताछ करेंगे, वो नामुमकिन है। जब ये चीज़ नामुमकिन है तो उसमें आपका पुलिस वाले आपके खिलाफ जांच नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का लोकल पुलिस आपसे आपके पूछताछ नहीं कर सकते, ये अंदर तक नहीं जा सकते, सच कभी भी नहीं निकल सकते, और इसके पीछे जो ये घोटाला के पीछे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों का जो रोल है वो कभी भी बाहर नहीं आती। इसीलिए हम सीबीआई का जांच मांग रहे और कल गवर्नर मैडम को भी मिले, हम गवर्नर मैडम से भी यही गुजारिश किए कि आपका हाथ में पावर है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करके मैडम टीएसपीएससी का ये सीबीआई को जांच के लिए दीजिए और टीएसपीएससी का चेयरमैन को अर्जेंटली सस्पेंड कीजिए करके हमने रिक्वेस्ट किया, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये पूरा घोटाला के पूरे सच बाहर नहीं आता, जब तक ये 3-30 लाख जो बेरोजगार लोग हैं तेलंगाना में जिसके कुर्बानी की वजह से तेलंगाना आ गई, तो वो लोगों को जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी करेंगे। यही चीज़ हम आज अखबारों को बताया मीडिया कॉन्फ्रेंस में।